सो हाँ जी दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और मजे से इस सीरीज का फायदा उठा रहे होंगे। अभी तो पार्ट वन था, अभी काफी सारे पार्ट्स आने वाले हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ और मैं क्या चीज की वीडियोस बनाता हूँ, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मैं ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप भी पर मंथ 20 से 25 हज़ार अपने फोन का यूज करके कमाना चाहते हो, पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रखा हुआ है। आप मेरे को मैसेज करके सारी डिटेल लेके आप भी बिजनेस को स्टार्ट करके लाइफ में ग्रो कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा तो प्लीज आपसे बोलूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले पार्ट वन देखो, तभी इस वीडियो को देखोगे, तभी सारी चीज क्लियर होगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखा है पार्ट वन का, और ब्रह्मास्त्र जो मेरी सीरीज चल रही है उसको उसका इंट्रोडक्शन भी रखा है। तो आप जाके दोनों वीडियोस देखोगे तो आपके सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या चीज का ये टॉपिक चल रहा है या किस चीज के बारे में मैं सिखाने वाला हूँ। सो आज की वीडियो है पार्ट टू, जिसके अंदर आप सीखोगे प्रोफाइल मेंटेन कैसे की जाती है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे की जाती है, अट्रैक्टिव प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है। आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ अपने स्क्रीन शेयर करके कि कैसे कैसे काम करना है अपने इंस्टाग्राम पे, अपनी बायो को कैसे मेंटेन करना है, हाइलाइट्स को कैसे मेंटेन करना है। क्योंकि यार देखो, बिजनेस करने से पहले आपको अपनी अपने इंस्टाग्राम की आईडी या फेसबुक की आईडी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने कोई दुकान खोली है, आपने कोई ऑफलाइन दुकान खोली है, कोई भी दुकान खोली है, और उसके अंदर अच्छी सफाई नहीं है, अच्छे से आपने सामान नहीं रखा, तो क्या उस दुकान के अंदर कोई आएगा? कोई नहीं आएगा भाई, दूर से लोग देख के चले जाएंगे। सेम वैसे हमारे बिजनेस के अंदर होता है, आपका जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वही हमारी दुकान होने वाली है। उसी दुकान को सजाना है अच्छे से, ताकि सामने वाला बंदा तुरंत आए और आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर ले। सो सबसे पहला स्टेप हमारा प्रोफाइल को मेंटेन करना ही होता है। सो एंड तक जरूर देखना वीडियो को, और जल्दी से शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिसको इस सीरीज की नीड है, एंड वीडियो को लाइक कर देना और छोटा सा कमेंट भी कर देना कि आपने इस वीडियो से कितना कुछ सीखा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो दोस्तों आ चुके अपने इंस्टाग्राम की आईडी के ऊपर। जिस भी बंदे ने फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत आपको नॉलेजेबल रील्स मिलेगी, तो जाके आप देख सकते हो और लाइक कर सकते हो और फॉलो भी कर लेना। अब मेन मुद्दा है हमारा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोफाइल पे काम करना, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। देखो इसको थोड़ा मैं समझाता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है इसको करना, ठीक है? अगर ये नहीं करते हो तो आगे आपको प्रॉब्लम आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें बायो कैसे क्रिएट करना है, हाइलाइट्स कैसे बनाने हैं, सब बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक सही से देखना है, राइट? एंड अब करना क्या है, सबसे पहले मैं ये समझा दूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो कभी भी आपने देखा होगा यार, कोई भी दुकान जब सुंदर रहती है, सजी हुई रहती है, सफाई रहती है, तो उसमें सेल्स आती है, मतलब भीड़ लगी रहती है। सपोज दैट दो दुकान है आपके सामने, दो दुकान है जूते का, जूते की आपके सामने दो दुकान है, ठीक है? एक दुकान है जिसमें ना सफाई है, ना लाइटिंग है, ना अच्छे से सामान रखा गया है। एक दुकान है जहाँ अच्छे से लाइटिंग है, जहाँ अच्छे से वर्कर भी हैं, और ऊपर से वहाँ पे अच्छे से आपको देखभाल भी किया जा रहा है, मतलब बुला के, मतलब सब चीज़ जैसा होता है, सिंपल सी बात है। तो आप किस में जाना पसंद करोगे? सिंपल सी बात है, उसी में ना जिसमें सफाई है, जिसमें अच्छे से आपको रेस्पेक्ट दी जा रही है। तो सिंपल सी बात है, देखो हम किसी से मिलने नहीं जा रहे, हमारी आईडी मिलने जाएगी। तो आपकी जो आईडी है, जितनी ज़्यादा उसमें मतलब सामान भरा रहेगा, खाली खाली रहेगा तो भाई मज़ा नहीं आएगा। जितने ज़्यादा उसमें सामान भरा रहेगा उतने लोग आएंगे, उतने ज़्यादा रिप्लाई आएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपने बायो में लिखना है और हाइलाइट क्रिएट करनी, यही हमारी दुकान का काम करने वाला है, ठीक है? अब सबसे पहले आपका नाम, सबसे पहले हमारा नाम मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? क्योंकि कुछ भी नाम नहीं रखना, क्योंकि सामने वाला बंदा अननोन रहेगा तो आपको आपके नाम से जानेगा। तो नाम अच्छा सा यूनिक नेम रखना जो आपको अच्छा लगे, ठीक है? पहले अपने नाम को रख लेना जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है? उसके बाद से आपकी एक डीपी होनी चाहिए जिसमें आपका फेस दिखे। ये नहीं कि दोस्तों के साथ लगा दो या किसी और चीज़ की लगा दो, नहीं, आपका फेस दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे ट्रस्ट बिल्ड बंदे तभी करेंगे जब आपकी डीपी लगी होगी, ठीक है? यही डीपी आपको अपने व्हाट्सएप पे भी लगानी है। तो डीपी ज़रूरी है, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, अपनी प्रोफाइल पिक ज़रूर लगाना और अच्छे से लगाना जिसमें आपका क्लियर फेस दिखे, ठीक है? अब दूसरा काम आता है हमारा बायो, जो है मेन चीज़। अब काफ़ी सारे लोग बायो में क्या करते हैं ना, कुछ भी लिख देते हैं। भाई कुछ भी नहीं लिखना, जो आप कर रहे हो वो लिखो। जैसे कि मैंने साइंस स्टूडेंट हूँ तो मैंने साइंस स्टूडेंट लिखा, मैं एक यूट्यूबर हूँ, बिजनेस ट्रेनर हूँ, ये भी लिखा है। और मेरा मिशन है कि मैं 100,000 स्टूडेंट को गाइड करूँगा कि कैसे पैसे कमाने एफिलिएट से, तो ये मैंने लिख रखा है। जैसे मैं ऐसे भी आप लिख सकते हो, और जो आप फील से हो वो लिख सकते हो, कॉपी नहीं करना। और अपना व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे दे सकते हो, और लास्ट में आपको कॉल टू एक्शन के साथ व्हाट्सअप नंबर देना है। डीएम मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज, जितने लोगों को नहीं पता, पता चल गया ना, डायरेक्ट मैसेज। तो डीएम में या मैसेज में लिख के अपना व्हाट्सअप नंबर डाल सकते हो, राइट? तो इतना करने के बाद अब उसके बाद आता है हमारा मेन मुद्दा, मेन चीज़, ये है हमारी प्रोफाइल की हाइलाइट्स। हाइलाइट्स से ट्रस्ट बिल्ड बहुत तगड़ा होता है। जैसे कि सपोज दैट मेरी कोई इंस्टाग्राम की आईडी पे आ रहा है और मेरी जी अगर खोल देता है हाइलाइट, तो यहाँ पे मेरी अचीवमेंट दिखेगी उन्हें, मैंने कितना कमाया वो दिखेगा, मैंने कहाँ कहाँ वो दिखेगा।
मैंने मेरे मेरा यूट्यूब चैनल मतलब सारी चीजें इसको यहाँ दिख जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल नए बंदे हो तो आप 2 से 3 या 4 आप हाईलाइट बना लेना। अगर आपकी इनकम नहीं हुई है तो मैं आपको पहले बताऊँ आपको क्या क्या हाईलाइट बनाने हैं। पहला हाईलाइट बनाओगे आप टीम इनकम की। सपोज दैट आपके टीम में जितने लोग हैं, कंपनी में लोग कमा रहे हैं, उनका स्टोरी लगाओ। स्टोरी लगाओगे तभी हाईलाइट लगी, तो स्टोरी दबा के लगाओ तो वो टीम इनकम की। दूसरा आप लगाओगे अचीवमेंट, कितने लोग कंपनी में आईफोन लेते हैं, कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, तो अचीवमेंट का। तीसरा आप लगाओगे ट्रेनिंग का, आपको ट्रेनिंग लेनी है, उसका रिकॉर्डिंग बना के अपना अपने इंस्टाग्राम पे लगाना है तो ट्रेनिंग है। देखो जैसे मैंने ले रखा जितनी ट्रेनिंग लेता हूँ उसका जरूर लगाता हूँ, क्योंकि इससे लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, इतना हो गया। एंड देन उसके बाद एक आप लगा सकते हो एक मोटिवेशन का, मोटिवेशन वीडियोज डाल सकते हो। और एक लगा सकते हो आप क्या कहते हैं, एक लगा सकते हो आप पोस्टर, जितने प्रमोशनल पोस्टर होते हैं जिसमें लिखा रहता है DM राइट नाउ या कोई वीडियो हो गई, वो आप लगा सकते हो अपने इसमें। तो 3 से 4 आपको हाईलाइट क्रिएट करते हैं अगर आप नहीं हो। कैसे क्रिएट होंगे वो भी मैं बताऊं। अगर आप स्टोरी लगाते हो दबा के स्टोरी लगा लेना 3-4 दिन, उसके बाद न्यू वाले पे क्लिक करना। न्यू वाले पे क्लिक करोगे जो जो आपको सेलेक्ट करने हैं, जो जो स्टोरी लगानी है, सपोज दैट माई इनकम में लगानी है तो माई इनकम में ये सारी चीज़ मैंने कर ली और इसको मैंने सपोज दैट नेक्स्ट पे किया। नेक्स्ट पे करने के बाद आपको जो लिखना है लिख लो। ठीक है, जो लिखना है लिख लो और अपना ये कवर कैसे बनाना ये भी बताऊंगा। तो लिख के इसको सेव कर दोगे आपकी हाईलाइट क्रिएट हो जाएगी। मैं बना नहीं रहा हूँ बिकॉज बनी हुई है काफ़ी सारी हाईलाइट इसलिए। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दे रहे होगे यार, ये सारे फॉन्ट अलग अलग है यार, हम लिखेंगे तो अलग है, तो ये फॉन्ट कैसे चेंज होंगे वो भी मैं आपको बताऊँ। गूगल पे जाके लिखना फॉन्ट टाइप, फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, फॉन्ट टाइप लिख लो, फॉन्ट स्टाइल लिख लो, फॉन्ट स्टाइल लिख लेना। फॉन्ट स्टाइल लिखोगे ना तो यहाँ पे कोई भी आप वेबसाइट ओपन कर लेना। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप जो लिखोगे, सपोज दैट मैं लिखता हूँ यूट्यूबर लिखूंगा ना तो नीचे काफ़ी सारे फॉन्ट आ जाएंगे। सिंपल, इसको मैंने मेरे को लगा इसको अच्छा, जो अच्छा आपको लगे उसको कॉपी कर लेना है एंड देन इसके बाद अपने बायो में जाके पेस्ट कर देना। सिंपल, दैट्स इट। यही आप अपने हाईलाइट्स के नीचे भी लिख सकते हो। मैंने ज़्यादा में नहीं लिखे, किसी किसी में लिखे, किसी किसी में नहीं, तो आप लिख सकते हो। इससे क्या लगता है कि अट्रैक्टिव ज़्यादा लगती है प्रोफाइल, जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है ना सामने से उतनी जल्दी मैसेज के रिप्लाई आते हैं। आगे आपको जो सीखने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तो ये वाला पार्ट मिस मत करना, इस पार्ट को ज़रूर अप्लाई करना वीडियो देखने के बाद। ठीक है, इतना हो गया। अब ये हाईलाइट के कवर इमेजेस कहाँ से बनेंगे, देखो सारी चीज़ क्लियर हो गई है। आपको कैनवा ऐप डाउनलोड कर लेना, कैनवा ऐप डाउनलोड कर लोगे सिंपल, वहाँ पे आपको बहुत बने बनाए आपको मिल जाएंगे, वो भी मैं सिखा दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा। सो इस तरीके से इंटरफेस आएगा कैनवा एप्लीकेशन के। यहाँ पे आपको लिखना है इंस्टाग्राम कवर स्टोरी हाईलाइट कवर इमेजेस, इस तरीके से डालोगे आपके सामने काफ़ी सारे हाईलाइट्स आ जाएंगे। उनको आप एडिटिंग कर सकते हो अच्छे से, जो लिखना है उसमें लिख सकते हो। सपोज दैट ये आ गया, अब मुझे मनी का बनाना है, टीम इनकम का बनाना है। ठीक है, तो मैं आपके सामने बता देता हूँ। सो सपोज दैट मुझे मनी का बनाना है, तो मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे कोई भी सिंबल यहाँ से जाके मनी लिखूंगा ना, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारी। ठीक है, मनी लिखूंगा तो यहाँ पे बहुत सारी आ जाएंगी। देखो मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, ये यूज़ कर दूंगा। सिंपल बन गया मेरा मनी का हाईलाइट, सिंपल। इस तरीके से आपको सारे हाईलाइट क्रिएट करने और इसकी कवर इमेजेस लगा लेनी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बनाने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है राइट साइड पे, इस पर क्लिक कर देना, डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब मैंने बना रखी है, बस आपके एग्जाम्पल के लिए मैं कैनवा एप्लीकेशन लाया। सिंपल, 2 मिनट का काम है। हाईलाइट कवर इमेजेस इसलिए लगाना है क्योंकि हमारी प्रोफाइल अट्रैक्टिव लगेगी। अब इस टाइम मेरी प्रोफाइल अट्रैक्टिव लग रही है कि नहीं, लग रही है ना, रील्स भी जाके देख लेना और लाइक भी कर देना जल्दी से। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनाना है। और जल्दी से कमेंट में जाओ और लिखो क्या क्या आपने सीखा है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना। और बस इतना ही था। सो जैसे कि आप लोगों ने लाइव सीख लिया कि कैसे अपने प्रोफाइल को मेंटेन करना है, हाईलाइट्स कैसे क्रिएट करना है, बायो कैसे क्रिएट करना है, फॉन्ट को कैसे चेंज करना है, कैनवा से कैसे आपको हाईलाइट के कवर इमेजेस बनाने, ये सारी चीज़ मैंने क्लियर करी। आई होप ये सब चीज़ आप अप्लाई भी करोगे। देखो मेरी जितनी भी वीडियो प्रैक्टिकली मैं जिसमें सिखाऊंगा ना, आप साथ ही साथ करोगे तभी सही रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे, फिर वही दिक्कत होगी। तो वीडियो के साथ अपना काम साथ करते करते दोनों चीज़ करना, और अगर एक बार में क्लियर ना हो तो दोबारा वीडियो को देख लोगे तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे पार्ट 3 के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया, और जल्दी से उन लोगों को शेयर कर दो
जिनको इस सीरीज की नीड है, जिनकी इनकम स्टक हो गई है, रुक गई है, उनको जल्दी से इस वीडियो के बारे में बताओ, इस सीरीज के बारे में बताओ, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप भी नॉलेज दे और वो भी नॉलेज दे और इजीली वो भी अच्छा खासा इनकम जनरेट करे। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू सो मच और